हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके फॉर ऑल चैनल। आज हम इस वीडियो में आपके लिए इकोनॉमिक्स से संबंधित 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे साथ साथ क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। कमेंट, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, निवेश तथा बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है? विकल्प है सरकारी व्यय, व्यय, खपत या फिर आय। और आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर सोच सकते हैं। आशा है आंसर आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैच करते हैं आंसर। सही आंसर है खपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकताओं के लिए मांग क्या है? लोच, पूर्ण अलोच, अलोच या फिर पूर्ण लोच। और इसका सही उत्तर है पूर्ण अलोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कीन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग फलन किसके संबंध को दर्शाता है? औसत खपत व कुल जनसंख्या, औसत खपत व साधारण मूल्य दर, औसत खपत व ब्याज दर या फिर औसत खपत व औसत आय। और कीन्स ने कहा था कि उपभोग फलन औसत खपत व औसत आय के बीच का संबंध दर्शाता है। आधुनिक सोच के अनुसार ह्रास मान प्रतिफल नियम किस पर लागू होता है? खनन, कृषि, उद्योग या फिर उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर यह नियम लागू होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? चलिए देखते हैं। सही उत्तर है उत्पादन के सभी क्षेत्रों में ह्रासमान प्रतिफलन का नियम लागू होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा हिस्सा किससे प्राप्त होता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर है तृतीयक क्षेत्र से भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। तो आंसर क्या है? तृतीयक क्षेत्र। नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? कृषि व ग्रामीण क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, भारी उद्योग क्षेत्र या फिर फ्रेंड्स इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। देखिए आंसर, चलिए मैच कीजिए। कृषि व ग्रामीण क्षेत्र से नाबार्ड जो है वो संबंधित है। सरकार की व्यय करारोपण तथा ऋण संबंधित नीति को क्या कहा जाता है? विकल्प सुनिए, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, कर नीति या फिर बैंक नीति। और इस प्रश्न का सही उत्तर ये रहा स्क्रीन के ऊपर, सही उत्तर है राजकोषीय नीति। लगातार भुगतान संतुलन में घाटे के कारण किसी मुद्रा का विनिमय दर गिरने लगता है, उसे क्या कहते हैं? कठोर मुद्रा, सीमित मुद्रा, अधिशेष मुद्रा या फिर नरम मुद्रा। और सही उत्तर है नरम मुद्रा। भारतीय कृषि में उच्च उपज बीज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई?
विकल्प सुनिए 1968, 1967, 1966 या फिर फ्रेंड्स 1965। और भारत कृषि में उच्च उपज बीज की शुरुआत हुई थी 1966 में। आखिरी प्रश्न पे आ गए। निम्न में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? क्रिसिल, केयर, इक्रा या फिर IFCI? सोचिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है IFCI। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ये वीडियो कैसा लगा। अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। आप आई पे भी क्लिक कर सकते हैं हमारे अन्य महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के बारे में जानने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।